अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी तो दोस्तों, अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ इब्राहिम खलील रोड पे, और मगरब की नमाज़ के बाद मैं इधर बैठा हूँ। मैंने सोचा कि ना आपको इब्राहिम खलील रोड की रौनकें दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह कैसे सब लोग जो है ना अभी जा रहे हैं, हरम से वापस जा रहे हैं अपने होटलों में। और जब भी कोई पाकिस्तानी उमरा पे आते हैं, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो इसी रोड पे स्टे करते हैं, इब्राहिम खलील रोड पे। इस रोड पे काफ़ी रौनक होती है और बाज़ार भी है साथ। और सोचा आपको यहाँ का विज़िट करवाता हूँ, और चलिए अब इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ मैं आगे से। जी तो दोस्तों, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इधर कबूतर चौक वाली साइड पर हूँ, इस तरफ ये कबूतर चौक है सारा, और वो आप देख सकते हैं सामने हरम है। और ये जबल उमर की बिल्डिंग्स है, तीन चार कट्ठी हैं जो। और अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से पूरा जो है ना आपको मैं तक दिखाता हूँ इसका, जो इब्राहिम खलील रोड है, शॉप्स दिखाता हूँ और रौनक दिखाता हूँ यहाँ के। ये नीचे देखें, ये उन्होंने लगाए हुए हैं बुरखे वगैरह और चीज़ें हैं कुछ। ये देखें, अभी पुलिस को देख के भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस आ गई और भागने लगे हैं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ सामने उधर, ये देखें ये शूज़ वगैरह इधर लगे हुए सारे, बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, शूज़ हैं, चप्पल वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। अभी इससे आगे चल रही है सिम वाली है सिम, और इससे आगे हैं तो ये भी, ये बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं साथ, अबाया वगैरह है, रुमाल वगैरह पड़े हुए हैं। ये भी अंदर कोई मार्केट बनी है छोटी सी। ये आप जो अलबेग के जो बोर्ड देख रहे हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं ये ऊपर, ये अलबेग जो है ना पीछे जबल उमर के अंदर, वो भी इंशाल्लाह आपको किसी दिन दिखाऊंगा। ये पहले देखें, ये बाज़ार देखें आप, ये तस्वीर लगाई है यहाँ पे, ये भी सारा स्टॉल लगाए हुए हैं। आगे आ जाए तो यहाँ पे ये गोल्ड की शॉप शुरू हो जाती है, यहाँ से दो शॉप्स है इसके गोल्ड के। ये यहाँ पर परफ्यूम्स बेच रहे हैं, यहाँ पर ये गरियाँ वगैरह, वो सामने भी गोल्ड के शॉप्स हैं। इस साइड पे आगे आ जाए तो ये खजूर और ड्राई फ्रूट वगैरह। खजूर वगैरह बड़ी है पर। ये होटल्स वगैरह भी साथ ही हैं इसके अंदर ही, ये भी देखे ना रोड के ऊपर ही है। जाए नमाज पढ़े हैं, इस पर नाम लिख के देते हैं। यहाँ पर ये कुछ फ्रूट बेच रहे हैं, अंगूर है शायद, कितने का, कितने का भाई? पाँच पाँच रियाल का। इस साइड पे ये ब्रोस अल फ्रूज, ये सऊदी सऊदीया के ब्रांड है ये भी।
यहाँ पर ये चेरी है, चेरी और आलू बुखारा जो भी ले 10 रियाल का यहाँ से सेल लगी हुई है। ये अंगूर हैं 5 रियाल के। ये देखे बच्चों के लिए टॉयज लगे हैं, कितने प्यारे प्यारे। कैमल बना हुआ है साथ, बकरी बनी हुई है। ये देखे कैमल, तस्वीर वगैरह, टोपी वगैरह, चप्पल वगैरह। यहाँ से ओड़ा के जाएंगे। यहाँ पर ये दूसरा फ्रूट है, ये केले वगैरह, ऑरेंज है, सेब, यहाँ पर अंगूर। यहाँ से सब कुछ जो है 3 रियाल का लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं 3 रियाल की। ये भी आपको दिखाता हूँ, रश काफ़ी भरा हुआ है अंदर। अभी चलते हैं आगे। यहाँ भी आगे मैं आपको फ्रूट शॉप दिखाता हूँ। फ्रूट यहाँ का देखे आप, माशाल्लाह केले देखे कितने बड़े बड़े हैं, दूसरा फ्रूट भी कितना फ्रेश। ये देखे इब्राहिम खलील रोड जो है ना, तकरीबन ये काफ़ी लंबा है, ये पैदल चलने हैं तो तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट इतने लग जाते हैं। और ये टोटल एंड तक जो है ना ऐसे बाजार ही है। अभी तो लोग काफ़ी जो है ना अपने होटल्स में चले गए हैं, जिस वजह से रश थोड़ा कम लग रहा है अभी, नहीं तो ये रोड फुल होता है, फुल। अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है, अभी भी आप देख सकते हैं। वो सामने आइसक्रीम शॉप है, इस साइड पे ये ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट वाली शॉप है। यहाँ पर आ गया है तो होटल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है ये गलियों के अंदर है, अंदर जाकर। ये फार्मेसी इस साइड। अभी आपको जो है ना, अभी ये तो तकरीबन यहाँ से सीधा से चलता रहेगा, अभी मैं आपको अल हिजरा रोड दिखाता हूँ जो कि उस साइड से भी जाता है अंदर से। अभी मैं इस साइड से जाऊँगा अंदर से, तो ये दिखाता हूँ आपको, जहाँ अंदर जा कर दिखाता हूँ आपको। अभी ये फ्रेश जूस वगैरह है यहाँ पर, ये भी सारा बाजार है। ये भी ये अल हिजरा और इब्राहिम खलील रोड के दरमियान में रोड है, नाम इसका मुझे पता नहीं है क्या नाम है। ये देखो आइए 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 आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा
ये सारे होटल्स वगैरह इधर साथ बाजार है सारा। ये जो है ना मसल्ले के ऊपर नाम लिख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे लिख कर ऐसे वो नाम लिखते हैं काफी के साथ। अभी मैं जाता हूँ हिजर रोड पे, उधर से आपको दिखाता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यहाँ से मैं बंद करूँगा, आगे जाके फिर मैं स्टार्ट करूँगा वीडियो। ये रोड जो है ना यहाँ से सीधा जा रहा है अभी अलहिजर रोड पे। इस रोड से हम आए हैं पीछे वाले, यहाँ से अभी अंदर आ गए, हम एंटर हो गए। यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह और सब्ज़ी वगैरह शॉप है, गोश्त वगैरह की सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये होटल वगैरह बने हुए हैं, ये आप देखें वाटरमेलन बने हुए हैं, इस साइड पर फ्रूट भरा हुआ है सारा। इस साइड पे ये खजूरें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ये सब्जी दिखाता हूँ आपको। ये सारी सब्जी पड़ी हुई है, ये सामने खजूरें वगैरह पड़ी हुई है। ये अभी हम आ गए हैं हिजार रोड पे, ये देखिए इस साइड पे जाएं तो वो मेन रोड पे जाता रास्ता मिस वाला कुबड़ी की तरफ, इस साइड पे जाएं तो सीधा ये हरम के अंदर जाता है रास्ता। तो अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ, हमने इस होटल में स्टे किया था जब लास्ट टाइम हम आए थे उमरे पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी रश जो है ना काफ़ी कम हो गया है, और इस गली में हमने स्टे किया था यहाँ पर, ये अल जाफरिया होटल है उसके अंदर स्टे किया था। एक इससे पीछे होटल था ये गली के अंदर जाकर, उसका नाम मुझे भूल गया, आपको ये रोड दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हम अक्सर आते थे ना, जब कभी यानी कि लेट हो जाए, नमाज इधर भी पढ़ ली है वज़ू करने के लिए, यहाँ से रुके वज़ू किया। ये शॉप है इधर से चीज़ वगैरह लेते बकाले के अंदर, बकाला आपको अंदर से दिखाता हूँ। फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए, ये केक्स वगैरह पड़े हुए, यहाँ पे चिप्स वगैरह सामने, ये दूध, यहाँ पे दूध लस्सी दही फ्लेवर वाले दही पड़े हुए हैं, यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी ये जूस वगैरह पड़े हुए हैं, फ्लेवर्स वाले फ्लेवर वाले जूस हैं, दूसरे भी हैं सर, ये भी दूध वगैरह। इस साइड पे आ जाए तो ये कैन वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो है ये मरिंडा जो है ना बहुत ज़बरदस्त कैन है, इसका भी बहुत मज़े का, ये भी ये आप देख सकते हैं सर। अभी चलता हूँ बाहर, फिर इंशाल्लाह आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों अभी ये बकाला के अंदर से मैं बाहर आ गया हूँ, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये इस होटल में हमने स्टे किया था जब लास्ट टाइम हम आए थे उमरा पे, तो वो भी आपको होटल भी दिखाता हूँ। ये बकाला है, इस बकाला पे अक्सर मैं अपनी बेटी को लेकर आता था, हानिया को चीज़ें लेती थी यहाँ से ना,
वो भी आई हुई थी मेरे साथ। और ये होटल है अल जाफरिया, ये होटल अल जाफरी होटल बहुत अच्छा होटल बना हुआ है। अभी इन्होंने ये बांग्लादेश वालों को दिया हुआ है हज के लिए। उमरा पे जब आते हैं अक्सर पाकिस्तानी इधर रुकते हैं इसी रोड पे, अल हिजरा पे या इब्राहिम खलील रोड पे। ये देखें, और अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अपने व्लॉग के इधर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।